हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ग्राफिकल स्केल पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेंशन जिसमें हम लोगों ने श्रिंकेज वाले केस को कवर किया था। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिकल स्केल पर ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बट यहाँ पर हम एक्सपेंशन वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन है, इन 1950 प्लान ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड वॉज ड्रॉन विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। द प्रेजेंट डायमेंशन ऑफ द फील्ड रीड एज 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। इफ एन ओरिजिनल रेफरेंस लाइन ऑफ 9.4 सेंटीमीटर नाउ रीड्स 10 सेंटीमीटर, देन वॉट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द फील्ड। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन डेटा को नोट कर लेते हैं। गिवन डेटा नाउ, सो क्वेश्चन में कुछ डेटा अपन को गिवन है, अकॉर्डिंगली अपन इसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन अब मैं अपन को दे रखा है कि 1950 में एक कोई प्लान प्रिपेयर किया था जिसका जो स्केल था वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर का था। सो वहां पर जो स्केल यूज किया था वो कितना था, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर, यानी कि जो मैप बनाया गया था उस पर कोई 1 सेंटीमीटर की लाइन फील्ड पर 40 मीटर के बराबर था। क्लियर है ना। अभी कोई प्रेजेंट डायमेंशन वहां पर मेजर की गई फील्ड की, जो कि 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की है। सो यहाँ पर एक डायमेंशन मेजर किया गया 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का, यानी कि एक सिंपल सा एरिया हो गया। सो इस मैप पर एक कोई एरिया मेजर किया गया 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का। क्लियर है ना। क्वेश्चन में आगे अपन को दे दिया कि एक कोई ओरिजिनल लाइन थी जो कि कितना 9.4 सेंटीमीटर का था। सो इस मैप पर पहले 9.4 सेंटीमीटर की एक लाइन थी, उसे आज के टाइम पर रीड किया जा रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर। नाउ सो देखिए, पहले 9.4 सेंटीमीटर की लाइन थी, अब ये बढ़कर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर हो गई, यानी कि यहाँ पर जो लाइन है टाइम के साथ इसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, यानी कि हमारा जो पेपर है उसका साइज क्या हो गया, एक्सपेंड कर गया। तो यहाँ पर हमारा कौन सा केस निकल के आ गया, एक्सपेंशन वाला। सो यहाँ पर सारी जो टर्मिनोलॉजी है प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, जहां हम श्रंक फैक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम एक्सपेंशन फैक्टर की बात करेंगे। जहां हम लोगों ने वहां पे श्रंक लेंथ की बात की थी, यहाँ हम एक्सपेंड लेंथ की बात करेंगे। क्लियर है। हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है एक्चुअल एरिया। सो हमें यहाँ पर एक्चुअल एरिया को डिटरमाइन करना है। चलिए, सो फील्ड पर एक्चुअल एरिया कितना होगा, इसे हमें डिटरमाइन करना है। तो करते हैं इसे सॉल्व। Now, सबसे पहले क्योंकि यहां पर एक्सपेंशन वाला केस है, इसमें हम एक्सपेंशन फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं। एक्सपेंशन फैक्टर, चलिए एक्सपेंशन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंड लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। एक्सपेंड लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। Now, देखिए, यहाँ पर हमारी जो लेंथ है वो बढ़कर कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो एक्सपेंड लेंथ हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। नाउ ओरिजिनल लाइन कितनी थी, 9.4 सेंटीमीटर की। सो ये हो जाएगा 9.4 सेंटीमीटर की। नाउ जब इसे सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकल के आती है 1.064। क्लियर है ना। सो देखिए, फैक्टर हमारा 1 से बड़ा निकल के आया, यानी कि पेपर का साइज यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। और प्रीवियस केस में जब हम वहां पर श्रंक फैक्टर निकाल रहे थे, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आ रही थी। तो हमने एक्सपेंशन फैक्टर तो निकाल लिया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्सपेंशन स्केल को डिटरमाइन कर लेते हैं। एक्सपेंशन स्केल ना, एक्सपेंशन स्केल क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन स्केल हो जाएगा एक्सपेंशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल। सो ये हो जाएगा एक्सपेंशन
फैक्टर एक्सपेंशन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल, ओरिजिनल स्केल एक्सपेंशन फैक्टर निकल के आया 1.064। नाउ ओरिजिनल स्केल देखिए, हमें स्केल दे रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 मीटर। सो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर 40 मीटर, ठीक है, क्योंकि अपन को यहां पर इसे रखना है, न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यूनिट को सेम बनाना होगा। तो यूनिट को सेम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 40, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो गया, इस स्केल को यहाँ पे रख देंगे, ये हो गया 1/4000, ठीक है। नाउ इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेंशन स्केल, सो ये आ जाएगा 1/3760। चल तो हमें एक्सपेंशन स्केल आ गया, यानी कि हमारा जो एक्सपेंशन मैप होगा या एक्सपेंशन प्लान होगा, वहां पर एक यूनिट लेंथ फील्ड पर 3760 यूनिट के बराबर होगी, यानी कि हमारे एक्सपेंशन मैप या प्लान पर 1 सेंटीमीटर की लाइन फील्ड पर 3760 सेंटीमीटर के बराबर होगी। नाउ एरिया की टर्म में अगर बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक्चुअल एरिया पूछा गया है, सो एक्चुअल एरिया ऑन द फील्ड, एक्चुअल एरिया ऑन द फील्ड। नाउ एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा, देखिए अगर हमारे एक्सपेंशन मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन फील्ड पर 3760 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया फील्ड पर 3760 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। नाउ सो क्वेश्चन में अपन को कितना एरिया दिया गया, क्वेश्चन में एरिया दिया गया 30 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया हमारा कितना हो गया 30 बाय 10, क्लियर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो देखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फील्ड पर 3760 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो 30 बाय 10 यानी कि 300 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया फील्ड पर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3760 के स्क्वायर के बराबर, क्लियर, इसके मल्टीप्लीकेशन के बाद जो वैल्यू आएगी। नाउ ये जो यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हम क्या करते हैं इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर स्क्वायर में। सो क्या किया, 10^-4 से या मल्टीप्लाई किया। नाउ फाइनल एरिया जो निकल के आ जाएगा ये होगा 4241 और 28 मीटर स्क्वायर। सो हमारा जो फाइनल एक्चुअल एरिया फील्ड पर निकल के आ जा रहा है, इस एरिया के करिस्पॉन्डिंग ये 4241.28 मीटर स्क्वायर निकल के आया। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया ग्राफिकल स्केल होता क्या है, और उसके बेस पर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया एक्सपेंशन वाला केस और श्रंक वाला केस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे रॉन्ग मेजरिंग स्केल को। थैंक यू।